आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ सीए प्रभाकर गुप्ता जी है, सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के वर्चुअल सीएफओ। भैया आज आपको बुलाया है इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए। डिस्कशन क्या है, अभी ना मेरे पास ना कई सारे फोन आ रहे हैं, फोन पर लोग बागों की क्या क्वेरी है, सर एक नई ITR की रिटर्न आई है, ठीक है ना, उसके बारे में बताओ, मैं वो फाइल करना चाहता हूँ। कई मेरे पास क्लाइंट आ गए, वो कहते हैं कि भैया हमारी भी ना पिछले 3 सालों की रिटर्न में फाइल कर दो, ठीक है ना, तो इसके बारे में चर्चा करिए। क्योंकि जब मैं पोर्टल पर जाता हूँ ना, अभी ऐसा कोई फॉर्म मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं उन क्लाइंट्स को कैसे टैकल करूँ, क्या क्या बारे में उनके बारे में बताऊँ, कौन व्यक्ति ये भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं प्लीज भैया। कपिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने हाईलाइट कर रखा है ITRU। तो दोस्तों अभी तक आपने जितने भी फॉर्म्स आपने देखे हैं उनके नंबर होते थे ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हम लोग ये 7 टाइप ऑफ रिटर्न्स फाइल किया करते थे। ये ITRU एक नया फॉर्म इस साल इंट्रोड्यूस किया है जो कि आपका 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल हो गया है जी। अब बेसिकली ITRU क्या है, यू का मतलब है अपडेटेड, मीन्स अगर आप अपनी रिटर्न को अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप ITRU फाइल कर सकते हैं। मुझे तो लगा था यू का मतलब है यू टर्न, ठीक है। नहीं नहीं, यू टर्न नहीं है, ये यू का मतलब है अपडेटेड। और अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि अगर मैंने अपनी ITR फाइल करता हूँ मैं और यदि उसमें कोई गलती निकल जाती है तो हमारे पास रिटर्न रिवाइज करने का ऑप्शन होता है जी। तो जब हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन था रिवाइज करने का, अपडेट करने का, तो ये फॉर्म क्यों आया? बिल्कुल ठीक। तो बेसिकली क्या था, आप और हम जैसे जानते हैं कि अब जब हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ओरिजिनल रिटर्न्स की अपनी ड्यू डेट होती है, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स की 31st of July। बिल्कुल ठीक। उसके बाद अगर वो 31st July तक अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर पाता है तो वो ईयर एंड यानी फाइनेंशियल ईयर एंड जो होता है 31st March तक वो अपनी रिटर्न को फाइल कर सकता है, जिसे हम वैलिडेटेड रिटर्न बोलते हैं कि भाई अपने रिटर्न को फाइल कर सकता है। साथ ही यदि उसने रिटर्न्स फाइल की है और उसे चेंज करना चाहता है, अपडेट करना चाहता है, तो अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकता है, लेकिन वो भी कर सकता है 31st मार्च तक, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि मैं 31st मार्च तक रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाया तो क्या मेरे हमेशा के लिए रास्ते बंद हो गए? तो आज से पहले हमेशा के लिए रास्ते बंद थे, लेकिन अब ये रास्ते खुल गए, ठीक है, इस ITRU के कारण, ठीक है। अब इसमें बेसिकली है क्या कि अगर आपने अपनी रिटर्न पहले फाइल की, 31 मार्च का टाइम आपका निकल गया, तो आप अपनी रिटर्न को आज भी अपडेट करा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको 2 साल का पीरियड मिलता है, यानी कि जैसे अब हमने बात की है कि जो आपका असेसमेंट ईयर जिस साल का खत्म हुआ है उसके 2 साल के अंदर अंदर आप ITRU फाइल कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं भैया, तो जैसे कि फाइनेंशियल ईयर अभी 21-22 खत्म हुआ है जी, ठीक है, 21-22 की रिटर्न तो हर व्यक्ति 31 जुलाई तक भर लेगा, ठीक है, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन है, एक बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021। भाई फाइनेंशियल ईयर 2021 का हमारा टाइम लिमिट निकल चुकी है, निकल चुकी है, ठीक है, 2021 की टाइम लिमिट हमारी 31 मार्च तक निकल गई है। तो अब ITRU के माध्यम से एक तो मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता, अगर मैंने कुछ गलत फाइल कर दिए तब भी ठीक कर सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है ना, मतलब की टैक्स बढ़ाकर, ठीक है ना, कम तो कर ही नहीं सकते इसमें ऐसा कुछ है। और एक अगर किसी ने फाइल नहीं करी है तो मैं अपने ऑफिस से डेटा निकलवा लूं कि अगर किसी ने 2021 की रिटर्न में फाइल नहीं करी है वो भी आ सकते हैं ITRU के माध्यम से, लेकिन कुछ कंडीशन बता दे। इसके अलावा अगर 19-20 की कोई रिटर्न है, ये तो हो गया 2021, अभी हम फाइनेंशियल ईयर से चल रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की भी अगर कोई रिटर्न है तो मैं उसकी फाइल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब जैसे कि किसी बैंक ने अगर मेरे को बोला, किसी क्लाइंट को बोला कि भाई पिछले 3 साल की ITR ले आओ तब मैं आपका लोन पास करूंगा, ठीक है ना, तो मैं पिछले 3 साल की ITR आज की डेट में बनाकर दे सकता हूँ? आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 2 चीजों का ध्यान देना होगा जी। सबसे बड़ी बात, अगर हम नटसेल में बात करें कि आप जब भी रिटर्न को फाइल करेंगे जी, तो आपका टैक्स पिछले जो आपने टैक्स डिक्लेयर किया था उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि यदि मैंने रिटर्न ही फाइल नहीं की थी तो क्या होगा? हाँ, यदि आपने रिटर्न फाइल नहीं की थी तो भी आपको मिनिमम आपको उतनी रिटर्न दिखानी होगी जिस पर की टैक्स की लायबिलिटी बन रही है। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो ये जैसा कि हमारे को पता है कि इनकम टैक्स में जो मिनिमम टैक्स जाता है वो भैया 12,500 जाता है जी।
अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात कर लूं, बिल्कुल, वो 5 लाख रुपए की इनकम दिखाता है, 5 लाख से कुछ ऊपर 12,500 समथिंग उतना जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति मेरे पास रिटर्न भरवाने आ रहा है, क्योंकि ना बहुत सारे यूजर्स ना न्यूज देखकर आ जाते हैं, अखबार में पढ़कर आ जाते हैं, बिल्कुल, ये ठीक है ना। तो अभी अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और कहता है कि सरकार ने 2021 की रिटर्न भी फाइल करने अलाउ कर दी है, 2019-20 की भी, तो उससे पहले बोल देना कि लगभग तो तू 15,000 रुपए लिया टैक्स के, बिल्कुल, क्योंकि भैया इंटरेस्ट वगैरह भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो ये तो पहले मिनिमम है, आगे चल के और बात करेंगे, पेनल्टी भी है, क्या है, क्या चीजें हैं, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचना कि ये दिवाली ऑफर दिया है, दिवाली ऑफर तो आपके सामने है, लेकिन इसमें आपको मिनिमम कॉस्टिंग देनी पड़ेगी, तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा लोगों के लिए वर्थवाइल नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि लोन लेने के लिए ज्यादा वर्थवाइल होगा, अगर आपको ज्यादा बेनिफिट है तो ही इस चीज को कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने कोई इनकम छूट गई है तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है, ठीक है भैया। इसमें आगे कंटिन्यू कीजिए, बताइए आगे इसके बारे में। इसमें जैसा कि अभी आपने कहा, कम से कम 12,500 रुपए का जिसने रिटर्न फाइल की थी, या उसने रिटर्न फाइल नहीं की, तो भी उसे 12-13 हज़ार रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। प्लस इसके अलावा 25% ऑफ टैक्स वैल्यू की आपको पेनल्टी भी देनी होगी, ठीक है। कितनी? 25%। तो 25% अगर हम 15,000 की बात कर ले, इंटरेस्ट वगैरह लगा के 15,000 हो जाता है, तो 25% लगभग हमारे को 4,000 रुपए के आसपास का आपका और खर्चा आ गया हमारा पेनल्टी का, मतलब लगभग 20,000 रुपए का खर्चा है अगर ये रिटर्न फाइल करते हैं, तो मिनिमम आपका इतना आएगा ही आएगा। तीसरी चीज ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन को एक साल में एक ही बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि आपने अगर एक बार भर दी तो फिर आप ये कहेंगे जी मैं इसे ये आईटीआर यू को रिवाइज कर दूं, तो वो पॉसिबल आपके लिए नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। तो आपको लॉस की, तीसरी चीज, लॉस की रिटर्न्स आप फाइल नहीं कर सकते, वो तो क्लियर, क्योंकि उसके अंदर टैक्स सरकार को नहीं मिल रहा है, तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली इसको लाने का पर्पज सरकार का ये है कि यदि आप अपनी कुछ भी इनकम डिक्लेयर करने से चूक गए हैं, तो आप उसको इस समय फाइल कर दीजिए। यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि ऐसा नहीं है कि आपका कोई असेसमेंट शुरू हो गया और उसके बाद आप ITRU फाइल कर दें। जब देखा कि यार आपका ऑफिसर मेरे यहाँ पर आ गया, मेरा केस खोल दिया, तो यार एक काम करता हूँ मैं ITRU फाइल करके अपनी सारी पेनल्टी से बच जाऊँ, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यदि आपके असेसमेंट ओपन हो गए हैं तो आप ITRU फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब भैया इसमें एक चीज और है, ये यहाँ पर बार बार लिखा हुआ आ रहा है कि आप अप टू 24 मंथ्स कर सकते हो, तो पहली बात तो ये आपको क्लियर हो गई होगी कि आप कौन सी रिटर्न कर सकते हो। 19-20 से पहले की तो रिटर्न नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप 19-20 की कर सकते हो अभी के टाइम में, 20-21 की कर सकते हो, और 21-22 की तो पोर्टल करने दे ही रहा है। अब अगर हम 19-20 की बात करें तो ये कब तक कर सकते हो, देखो एकदम ना जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। 19-20 में इसने लिखा है कि 24 मंथ्स लिखा है फ्रॉम द असेसमेंट ईयर, तो 19-20 का असेसमेंट ईयर हो गया 20-21 भैया, बिल्कुल, और 2021 से 24 मंथ्स हो गए 2023, इसका मतलब जी, तो आप मार्च 2023 तक, अभी भी आप पे 10-11 महीने हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से एकदम से जैसे ही ऑप्शन आया ना, एकदम से फाइल मत करो, पहले इसे ना एक बार समझ लो, क्योंकि भैया कई लोगों ने मुझे पता क्या बोला कि पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न में जा रहे हैं और वहां पर एक ऑप्शन आ रहा है अपडेटेड रिटर्न करके कुछ आता है, कह रहे मैं वो फाइल कर दूं क्या। अरे फिर मैंने उसे समझाया कि भाई वो फाइल मत कर दियो, वो तो कुछ अलग ही कंसेप्ट वाली रिटर्न है, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग वाली, अभी इसका फॉर्म आया नहीं है, तो थोड़ा सा ना सबर करना है, जैसे ही हमारा फॉर्म आएगा हम इसके ऊपर एक वीडियो और बना देंगे। जी भैया इसमें और आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? जैसे कि आपने भी कहा कि अभी हमारे पास में 11 महीने का टाइम है, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जब आप इसे भरें तो उससे पहले प्रॉपरली चेक जरूर कर लें, ताकि दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं हो, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर पाए या आप उसमें कोई चेंज कर पाए। तो अगर आपको अपनी ITRU फाइल करनी है तो पहले पूरी कैलकुलेशन फैला लें, सारे आप 26AS को चेक कर लें, AIS को चेक कर लें और बाकी अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को चेक कर लें, तो सभी चीजों को चेक करने के बाद ही इस रिटर्न को फाइल करें। और कम से कम 20,000 रुपए तो गवर्नमेंट के लिए, हाँ। और भैया प्रोफेशनल को कितने रुपए लेना चाहिए इसके? अब तो प्रोफेशनल के अपने हाथ में है, हाँ, जितने ज्यादा से ज्यादा ले सके, हाँ, लेकिन जब 20,000 रुपए क्लाइंट उसके दे रहा है तो 1,500 का इसका रेट मत निकाल देना, हाँ, कम से कम 2,000-3,000-5,000 कुछ ऐसा इसका रेट निकालना जिससे कि प्रोफेशनल को कुछ बेनिफिट हो। भैया हमने क्या करा है ना, हमारी जो मैगजीन है ना
मई की मैगजीन हमने आज ना मेल कर दी है सब लोगों को। अगर किसी को हमारी मैगजीन मेल नहीं मिली है ना, तो जो हमारी टीम का नंबर है आप उनपे व्हाट्सअप करके बोल दीजिए कि भैया हमने मैगजीन सब्सक्राइब कराई थी और हमें मेल नहीं मिली है। क्या सर दोनों एडिशन मेल कर दिए? नहीं भाई, आज हमने 5 तारीख को इंग्लिश का एडिशन आपको मेल कर दिया है और 7-8 तारीख तक हिंदी का भी एडिशन मेल कर देंगे। और जिन्होंने फिजिकल कॉपी ली हुई है, आज हमारी मैगजीन प्रिंटिंग पर चली गई है, एक आध दिन में जैसी आएगी हम कोरियर भी कर देंगे। अगर आपने अभी तक मैगजीन हमारी सब्सक्राइब नहीं कराई है तो इन नंबर पर व्हाट्सएप करके मैगजीन को सब्सक्राइब करा लें। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस बार का जो हमारा मैगजीन का कंटेंट है ना, वो बहुत बढ़िया कंटेंट है, बहुत अच्छे से हमने, भैया अगर आप इसका इंडेक्स देखोगे ना, हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा। लगभग अगर आप देखोगे लगभग 10-15 टॉपिक हमने इस बार की मैगजीन में दिए हैं। और ये वाली हमारी जो मैगजीन है, ये नॉलेज आपकी जरूर बढ़ाएगी। तो अगर आप अपनी नॉलेज पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ही हमारी मैगजीन को सब्सक्राइब करा ले। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें ना सारी ड्यू डेट्स वगैरह हैं, जितनी भी इस महीने में ड्यू डेट्स है ना, 20 ड्यू डेट्स है, 15 ड्यू डेट्स है, सारी है। और अगर आप चाहते हो ना इन ड्यू डेट्स के बारे में आपके क्लाइंट को पता चले, तो आप ना हमारे से ना इस तरह का फ्लायर्स बनवा सकते हैं। हम क्या करते हैं, सारी ड्यू डेट्स के फ्लायर्स बनाकर आपको महीने के शुरू में दे देंगे, उसमें पूरे फेस्टिवल की विशेष सारी डेट्स हम आपको दे देंगे। भैया इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे? अब इसमें हम और क्या क्या दे देते हैं? ड्यू डेट्स आ जाती हैं, फेस्टिवल्स के विषय आते हैं, और जो लेटेस्ट अगर कोई डेट्स में अपडेट आता है तो वो अपडेट्स भी इसके अंदर मिलते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना चाहते हो, आगे तक बढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे ये वाला फ्लायर्स वाला भी सब्सक्राइब करा सकते हैं। इसके लिए भी आपको इन्हीं नंबर पर बात करनी है। अगर मैगजीन की सैंपल कॉपी चाहिए, इसके लिए भी आपको इन्हीं नंबर पर बात करनी है। क्या भैया ITRU में कुछ और है हमारा पेंडिंग? मेजर पॉइंट्स ये हैं जो नॉर्मल भाषा में समझने के हैं, बाकी डिटेल तो बहुत कुछ है, तो हमने लेकर पढ़ सकते हैं। वीडियो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भैया का भी चैनल है सियोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के नाम से, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, आपको वहां पर भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।